the one and only, the legend, and his AK, Akshay Kumar. Can we get up high? My father has really. Yeah. तो दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार दुनिया के सबसे बड़े शो मैन वर्सेस वाइल्ड विद बियर गिल्स में कल रात को नजर आए थे। दोस्तों, पूरा एपिसोड देखने के बाद मुझे ये पता चला कि अक्षय कुमार को किंग ऑफ एक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि मैन वर्सेस वाइल्ड में अक्षय कुमार ने जितने शानदार एक्शन किए हैं, जिस तरह के स्टंट किए हैं, उसे देख कर लगता है कि बॉलीवुड में अक्षय कुमार के लेवल का स्टंट कोई नहीं कर सकता। अगर बात करें मैन वर्सेस वाइल्ड के अक्षय कुमार वाले एपिसोड के बारे में, तो दोस्तों इस एपिसोड में हम देखते हैं कि अक्षय कुमार और बियर गिल्स हमारे इंडिया में ही कर्नाटक के जंगलों में किस तरह से घूम रहे हैं, और यहाँ पे बियर गिल्स अक्षय कुमार को नई टेक्निक सिखाते रहते हैं। हालांकि अक्षय कुमार को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अक्षय कुमार सभी पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी इस शो में हम देखते हैं कि बियर गिल्स अक्षय कुमार को बताते हैं कि किस तरह पानी और पेड़ों पर रस्सी के सहारे चला जाता है। लेकिन इस शो में दोस्तों हमें जितना एक्शन देखने को मिला, उससे कहीं ज्यादा अक्षय कुमार के बारे में और जानने को भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस शो में अक्षय कुमार अपनी पूरी लाइफ के बारे में बियर गिल्स को बताते हैं, साथ ही साथ उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई ये भी बताते हैं, फिल्मी करियर के बारे में, फैमिली के बारे में। तो कहीं ना कहीं इस एपिसोड में अक्षय कुमार के अंदर की जो बातें आज तक हमने नहीं सुनी या देखी थी, वो भी इस शो में देखने को मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि हमें अक्षय कुमार के सपोर्ट में इस शो के अंदर तीन नए लोगों के मैसेज भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि सुनील शेट्टी, कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय कुमार और बियर गिल्स के मैन वर्सेस वाइल्ड के इस नए एपिसोड में ट्विंकल खन्ना, सुनील शेट्टी और कैटरीना कैफ का कैमियो भी नजर आएगा। दोस्तों, इस एपिसोड को वैसे तो पूरी तरह से इंग्लिश में फिल्माया गया था, लेकिन इस एपिसोड को हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया है। हालांकि दोस्तों, ये एपिसोड रात को ही टेलीकास्ट हो चुका है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ये एपिसोड आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएगा। बता दो दोस्तों, इस एपिसोड की जो हिंदी डबिंग हुई है वो अक्षय कुमार ने नहीं की। जी हाँ दोस्तों, इसकी हिंदी डबिंग शायद विकल्प मेहता से करवाई गई है, लेकिन फिर भी इस एपिसोड को अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो आपको उतने ज़्यादा मजे नहीं आएंगे जितने मजे हिंदी में देखने में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस एपिसोड को हिंदी में देखा और यकीन मानिए, इस एपिसोड को देखने में पूरी तरह से मजे आ गए, क्योंकि इस एपिसोड में एक्शन है, एडवेंचर है, लाइफ जर्नी है, साथ ही साथ अक्षय कुमार की कॉमेडी भी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार और बियर गिल्स के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उसमें काफी ज्यादा मजा आता है। और दोस्तों, यहां तक कि बियर गिल्स ने अक्षय कुमार के भर भर के तारीफें की है इस शो में, क्योंकि अक्षय कुमार ने जिस तरह के स्टंट किए उसे देखकर बियर गिल्स खुद भी चौंक गए, क्योंकि उन्हें भी नहीं यकीन था कि अक्षय कुमार, जिनकी एज 53 ईयर्स हो चुकी है, वो इतने शानदार एक्शन जंगल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अक्षय कुमार के फैंस हो तो इस एपिसोड को आप जरूर देखना, ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आने वाला है। फिर से आपको बता दूं कि इस एपिसोड को हिंदी में देखना, हिंदी में और ज़्यादा मज़ेदार है। लेकिन अगर आपने अक्षय कुमार और बियर गिल्स का मैन वर्सेस वाइल्ड का एपिसोड देख लिया, तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।